हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साल 2019 बॉलीवुड के लिए बड़ा साल रहा है, जहां बॉलीवुड फिल्म्स की थीम और स्टोरीज में चेंजेस नज़र आए हैं और ऑडियंस ने भी उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट किया और बड़े स्टार्स और बड़े बजट वाली फिल्म्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना होकर अच्छे कंटेंट और डिफरेंट थीम वाली उनसे दिसंबर तक की बेस्ट बॉलीवुड फिल्म्स ऑफ 2019 के बारे में बताएंगे, क्योंकि जनवरी से अप्रैल 2019 तक की बेस्ट बॉलीवुड फिल्म्स हम इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं। ये सभी फिल्म्स आप इजीली कहां से देख सकते हैं इसकी डिटेल्स हम वीडियो के लास्ट में शेयर करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है वॉर। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद। फिल्म की स्टोरी बहुत ही सस्पेंसफुल और इंटरेस्टिंग है, जहां एक इंडियन सोल्जर खलीद को उसके फॉर्मर मेंटर कबीर को एलिमिनेट करने के लिए असाइन किया जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी का मानना है कि कबीर अब गद्दार है और वो इंडियन आर्मी के लिए एक खतरा है। फिल्म में लीड रोल में रहे ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ, उनकी जोड़ी ही ऑडियंस के लिए अट्रैक्शन का कारण रही। इस फिल्म में आज तक के सबसे बेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिले और बॉलीवुड की किसी फिल्म में तो ऐसा एक्शन पहली बार ही नज़र आया है। यही कारण है कि 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई ये फिल्म 2019 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म रही। क्या लगता है? Then remember what I taught you, Khara. मौका मिला तो गोली चला देना। सोचना मत। मैं नहीं सोचूंगा। नंबर 9 पर है दो फिल्म्स, ड्रीम गर्ल और लाल कप्तान। बात करें ड्रीम गर्ल की, तो ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर करमवीर सिंह पर फोकस्ड है। करमवीर बचपन से ही लड़की की आवाज़ निकालने में माहिर होता है, इसलिए उसे स्टेज प्लेज में भी फीमेल लीड रोल मिलते हैं जो उसे पसंद नहीं होते, लेकिन वो अपने इस टैलेंट को अपने प्रॉफिट और अर्निंग के लिए यूज़ करता है और पूजा नाम से फेमस हो जाता है। फिल्म में लीड कैरेक्टर प्ले किया आयुष्मान खुराना ने और उनकी कैरेक्टर प्लेइंग तो सुपर्ब है ही, और उन्होंने इस साल बाला और पूजा जैसे दो बेहतरीन कैरेक्टर प्ले किए हैं और सारे अवार्ड्स उनके इन परफॉर्मेंसेस के लिए कम पड़े। बात करें लाल कप्तान की, तो ये एक एपिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी स्टोरी 18th सेंचुरी में सेट है। फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर सेंटर्ड है, जहां लीड कैरेक्टर गोसेन एक बाउंटी हंटर होता है जो बदले के लिए सूबेदार रहमत खान को मारना चाहता है। मराठास भी रहमत खान को चेस कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने मराठास के खजाने को लूटा होता है। तो ये ही इस फिल्म की बेसिक स्टोरी है। फिल्म में लीड रोल में रहे सैफ अली खान, जिन्होंने इस फिल्म में सबसे डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया। उनके इस कैरेक्टर के लुक को हॉलीवुड फिल्म सीरीज पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के लीड कैरेक्टर जैक के लुक का कॉपी बताया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कैरेक्टर उससे बिल्कुल अलग था और सैफ अली खान ने इस कैरेक्टर को बेहतरीन प्ले किया है। हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। 8 पर है दो फिल्म्स, बाला और उजड़ा चमन। ये दोनों फिल्म्स की थीम बिल्कुल सेम है और ये दोनों काफ़ी विवादित फिल्म्स रही हैं, क्योंकि इन दोनों पर एक दूसरे की कॉपी होने का इल्ज़ाम है। बात करें बाला की, तो ये एक सोशल प्रॉब्लम कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर बाल मुकुंद शुक्ला पर फोकस्ड है, जो कि कानपुर का एक युवा है जो गंजेपन से बहुत परेशान है और अपने गंजेपन के कारण वो समाज के लिए हंसी का पात्र बन जाता है। उम्र से पहले हुए गंजेपन से कैसे इंसान का मनोबल टूटता है और कैसे वो सोशल प्रेशर से गुजरता है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में लीड रोल में रहे आयुष्मान खुराना, जिनकी इस कैरेक्टर प्लेइंग के लिए कोई भी अवार्ड उनके लिए कम रहेगा और उनसे बेहतर इस कैरेक्टर को शायद ही कोई प्ले कर सकता था। उनकी एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बहुत सक्सेसफुल रही। ट्रांसप्लांट के लिए तुम्हारे छाती, हाथ और दाढ़ी के बाल बहुत कम है, तो अब बस एक ही जगह है। बात करें उजड़ा चमन की, तो ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी थीम बाला फिल्म जैसी ही है, लेकिन स्टोरी ड्रामा और कॉमेडी बाला फिल्म से अलग है। ये फिल्म 2017 में आई कन्नड़ फिल्म का रीमेक है। इस फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर चमन कोहली पर फोकस है। चमन कोहली 30 साल का एक बैचलर है जो अपने लिए वाइफ सर्च करता है, लेकिन गंजेपन के कारण लड़की मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिल्म की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिल्म में लीड रोल में रहे राइजिंग स्टार सनी सिंह, जिन्होंने चमन कोहली के कैरेक्टर को बहुत बेहतरीन प्ले किया है और ये उनकी अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। नंबर 7 पर है दो फिल्म्स,
मर्दानी 2 और ये साली आशिकी। बात करें मर्दानी 2 की तो ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 2014 में आई मर्दानी फिल्म का सीक्वल है। फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर एसपी शिवानी शिवाजी रॉय पर फोकस्ड है, जहां शिवानी यंग और फेरोशियस रेपिस्ट को हंट करने की कोशिश करती है और ये क्रिमिनल अपने हर क्राइम से शिवानी को चैलेंज करता है। ये फिल्म इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसमें फीमेल कैरेक्टर को स्ट्रांग और हाइलाइटेड दिखाया गया है। बॉलीवुड में ऐसी फिल्म्स कम ही देखने को मिलती है। एसपी शिवानी शिवाजी रॉय के कैरेक्टर को स्पेशल बनाया रानी मुखर्जी की एक्टिंग ने, जिन्होंने लंबे समय बाद कमबैक किया और बहुत शानदार परफॉर्म किया। 13 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। कोटा की पूरी पुलिस फोर्स रात भर काम करेगी, 2 दिनों में पकड़ेंगे साले को। बात करें ये साली आशिकी की तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है और ये अब तक आई लव स्टोरी फिल्म से कुछ अलग और इंटरेस्टिंग है। जहाँ फिल्म की बेसिक स्टोरी कुछ यूं है कि लीड कैरेक्टर्स एक होटल मैनेजमेंट स्कूल में मिलते हैं और दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और सब कुछ ठीक चलता है उनके बीच। फिर अचानक कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिससे उन दोनों का एहसास होता है कि रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जान लेना कितना ज़रूरी होता है। फिल्म के लीड स्टार रहे वर्धन पुरी और शिवालिका ओबेरॉय, दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी और दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जहां उनकी परफॉर्मेंस ने इस फिल्म को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया। हाय मिति, हिम्मत है ना तो सामने, छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे छोड़ूंगा तो मैं तुझे नहीं, बस एक बार मेरे सामने आ जा। कितनी ड्रामेटिक रही है ना हमारी कहानी, इसके क्लाइमेक्स को भी मजेदार बनाते हैं। नंबर 6 पर है गुड न्यूज। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर है राज मेहता और ये उनकी डेब्यू फिल्म है। फिल्म की बेसिक स्टोरी कुछ यूँ है कि दो सेम सरनेम वाले कपल्स इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और अपने अपकमिंग बेबीज का वेट करते हैं, लेकिन समस्या तब हो जाती है जब दोनों कपल्स के स्पर्म एक्सचेंज हो जाते हैं। इस तरह से फिल्म में बहुत कॉमेडी और ड्रामा क्रिएट होता है। फिल्म में लीड रोल में रहे अक्षय कुमार, करीना कपूर और दिलजीत दोसांझ, कियारा आडवाणी, ये सभी एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं और इनकी परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं रही और ये अपने अपने कैरेक्टर्स में परफेक्ट सूट हुए। वहीं अक्षय कुमार की इस साल में आई फिल्म्स में से ये फिल्म सबसे बेस्ट रही। नंबर 5 पर है सांड की आंख। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं तुषार हीरानंदानी। इस फिल्म की स्टोरी यूपी की दो ओल्ड एज वुमेन शार्प शूटर चंद्रो और प्रकाशी तोमर पर फोकस्ड है। ये फिल्म पैट्रियार्की जैसे सोशल एविल को सोसाइटी से हटाने का मैसेज देती नजर आती है। ये फिल्म सिखाती है कि सिर्फ आदमी ही नहीं औरत भी सपने देख सकती है और उन्हें पूरा भी कर सकती है और सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। इस फिल्म में आपको एक्शन और रोमांस तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे सोशल मैसेज और इंस्पिरेशन इस फिल्म में आपको ज़रूर मिलेंगी। फिल्म में लीड रोल में रही भूमि पेडनकर और तापसी पन्नू, जिन्होंने अपनी लाजवाब एक्टिंग से साबित किया कि वो भी कैरेक्टर प्लेइंग में कहीं कम नहीं है और उनके शानदार अभिनय के कारण ही ये फिल्म इस लिस्ट में 5th नंबर पर आ पाई है। 25th अक्टूबर 2019 को रिलीज़ हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी सक्सेसफुल तो नहीं रही, लेकिन क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म्स में से एक है। एक बात बताता ही, क्या खाओ तुम दोनों? निशाना बिल्कुल सीधा लगाओ। गाड़ी। नंबर 4 पर है दो फिल्म्स, आर्टिकल 15 और सेक्शन 375। बात करें आर्टिकल 15 की तो ये क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसके राइटर हैं गौरव सोलंकी और डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा। ये फिल्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 पर फोकस्ड है और ये फिल्म 2014 के बदायूं गैंग रेप केस जैसे ट्रू इवेंट से भी इंस्पायर्ड है। ये फिल्म दिखाती है कि आर्टिकल 15 कैसे और क्यों लाया गया। फिल्म में लीड रोल में रहे आयुष्मान खुराना, जिन्होंने एडिशनल एसपी अयान रंजन का रोल प्ले किया और एकदम परफेक्ट प्ले किया। वो इस रोल के लिए बेस्ट चॉइस रहे और अपनी एक्टिंग से उन्होंने इस फिल्म को और भी इंटरेस्टिंग बनाया। 28 जून 2019 को रिलीज हुई इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी क्रिटिक्स से बहुत बहुत अच्छी रेटिंग्स इस फिल्म को मिली और ये एक हिट फिल्म रही। बात करें सेक्शन 375 की तो ये कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है अजय बहल ने। ये फिल्म इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 375 पर बेस्ड है। फिल्म की स्टोरी कुछ यूँ है कि फिल्म में एक नामी डायरेक्टर रोहन खुराना को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दांगले उसे रेप के लिए अक्यूज़ करती है। तरुण सलूजा रोहन खुराना के लॉयर हैं, वहीं हिरल गांधी जो तरुण की ही एक ट्रेनी है वो अंजलि की तरफ से केस फाइट करती है। अब ये केस सही होता है या गलत ये तो आप फिल्म देखकर पता लगाइएगा। स्टोरी का मोरल ये निकल के आता है कि आज के समय में लॉ को सिर्फ जस्टिस के लिए ही नहीं बल्कि बदला लेने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले तो परफेक्ट है ही, साथ ही अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा की एक्टिंग भी काबिल-ए-तारीफ है। यही कारण है कि 13 सितंबर 2019 को रिलीज़ हुई ये
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। कन्विक्टेड रेपिस्ट तरुण की आज के माहौल में इट्स नॉट करेक्ट टू डिफेंड हिम। कन्विक्टेड रेपिस्ट का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उन्हें प्रॉपर लीगल डिफेंस मिले। तीन पर है सुपर 30। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो पटना के मैथमेटिशियन आनंद कुमार की लाइफ स्टोरी है। फिल्म को डायरेक्ट किया है 3 times नेशनल अवार्ड विनर विकास बहल ने और ये फिल्म उनकी बेस्ट फिल्म्स में से एक है। फिल्म में आनंद कुमार के स्ट्रगल्स और उनके टीचिंग के तरीके को बहुत करीब से दिखाया गया है। फिल्म इंटरेस्टिंग बनी ऋतिक रोशन की सुपर्ब एक्टिंग से। ये चीटिंग है, चीटिंग है ये। तो किस्मत इन बच्चों के साथ जो किया वो क्या प्रतिवाद ये साधन नहीं दिए, चीटिंग नहीं तो और क्या आशीर्वाद है। उन्होंने इस फिल्म में कैरेक्टर पर बहुत हार्ड वर्क किया और वो हार्ड वर्क स्क्रीन पर साफ साफ नजर आया। उनकी एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने साबित कर दिया कि उनसे बेस्ट इस कैरेक्टर को और कोई प्ले ही नहीं कर सकता था। यही कारण है कि 12 जुलाई 2019 को रिलीज हुई ये बायोग्राफिकल फिल्म 10th हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म रही 2019 की। ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राम में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिए, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है। हमको सलाह छलांग लगाना सिखाती है। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। नंबर 2 पर है कबीर सिंह। ये दर्शकों की सबसे चहेती फिल्म रही 2019 में। हाँ, लेकिन फेमिनिस्ट लोग फिल्म पर रिलीज होते ही बरस पड़े क्योंकि उनका काम ही है बात का बतंगड़ बनाना। इस फिल्म में कोई वुमन डिसरेस्पेक्ट नहीं दिखाई गई थी। संदीप वांगा द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म 2017 में आई तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी का ही हिंदी रीमेक है। ये एक वायलेंट सर्जन कबीर राज धीर सिंह की स्टोरी है जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है जब उसकी प्रियतमा से उसकी शादी नहीं हो पाती। ये पहली फिल्म होगी जिसमें लव स्टोरी में रियलिटी नजर आई है, क्योंकि आज हर तीसरे आशिक की हालत कबीर सिंह जैसी ही है भैया। इसे एक मास्टरपीस फिल्म कहा जा सकता है क्योंकि फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग तो बेस्ट है ही, स्पेशली इसके सॉन्ग सबसे बेस्ट थे। फिल्म में लीड रोल में रहे शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी जो इस फिल्म के लिए परफेक्ट चॉइस रहे। शाहिद कपूर ने हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन एक्टर है जो हर कैरेक्टर को बेस्ट प्ले कर सकते हैं। वहीं इस फिल्म में कियारा आडवाणी ने अभी तक अपना सबसे बेस्ट कैरेक्टर प्ले किया और अपनी एक्टिंग से खूब तारीफें बटोरी। 21 जून 2019 को रिलीज हुई ये फिल्म 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही 2019 की और ये सबसे पॉपुलर और लॉन्ग रनिंग फिल्म भी रही इस साल की। नंबर 1 पर है छिछोरे। ये नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि ये आज तक की सबसे बेस्ट कमिंग ऑफ एज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी जो दंगल, बरेली की बर्फी जैसी कई लाजवाब फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं और छिछोरे दंगल के बाद उनकी सबसे बेस्ट फिल्म रही है। इस फिल्म की स्टोरी को 2 timelines में दिखाया गया है, जहां एक timeline में लीड कैरेक्टर की एंजॉयिंग कॉलेज लाइफ दिखाई गई है और दूसरी timeline में लीड कैरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबल फैमिली लाइफ दिखाई गई है। और फिल्म में जिस तरह से इन दोनों स्टोरीज को कनेक्ट किया गया है वो काबिले तारीफ है। With love, दुलारी। दुलारी, जेंट्स का क्या पहनती है? अब कौन कैसा होता है हमको क्या पता? फर्क पड़ता है। 2 दिन से नहीं धोया। इस फिल्म की सबसे खास बात ये रही कि फिल्म एंटरटेनिंग तो है ही, साथ ही इस फिल्म में पेरेंट्स के लिए और यंग जनरेशन के लिए बहुत डीप मैसेज है। फिल्म में हर एक एक्टर ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी और इस फिल्म को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है। 6 सितंबर 2019 को रिलीज हुई ये फिल्म 8th हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म रही 2019 की और हम कह सकते हैं कि ये फिल्म उरी और गली बॉय के बाद साल 2019 की सबसे बेस्ट फिल्म है। अब सब गलत कर रहे हैं भाई, सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना, कोई बातें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन सभी फिल्म्स की डिटेल्स आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे और अगर आपको और भी इजीली ये फिल्म्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द चॉइस बॉक्स यूट्यूब को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन सभी फिल्म्स के अलावा हमारे वीडियोस में एडेड हर फिल्म और वेब सीरीज़ की डिटेल आपको इस टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको जिस भी फिल्म और वेब सीरीज़ की डिटेल चाहिए वो आप हमें कमेंट्स में बताएं या फिर हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कॉन्टैक्ट करें। We'll be right back.